आओ बेटा अब हम करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। एक बात जान लो, जब भी इक्वेशन रीड करनी है, जब भी क्वेश्चन रीड करना है या इक्वेशन रीड करनी है, कभी भी पॉइंट और इक्वेशन को रीड मत करना, उसे एक नाम दे देना। दिखाता हूँ कैसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या निकालना है मेरे बच्चा? इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जो क्या कर रहे हैं, ए और बी से पास कर रहे हैं, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन एल वन, और जिसका सेंटर कहाँ पर है, एल वन पे। याद ही होगा मैंने स्ट्रेट लाइन में ये बात बताई थी। ओके नाउ प्रोसीड करते हैं। सर इसकी जरा फिगर बना सकते हो? फिगर कैसे बनेगी? एक सर्कल है जो कहां से पास कर रहा है, ए और बी, यानी ए है और बी इसकी कहां पर आ रहे हैं, बाउंड्री पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हुआ? और सेंटर निकालना है क्योंकि क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर और रेडियस। सेंटर क्या लूंगा, ए कॉमा बी लेट कर लूं, ठीक है। कहता है हुज सेंटर इज ऑन द लाइन एल वन, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा लाउड बोलो। बिल्कुल, ए बी एल वन पे है, इसका मतलब एक लाइन है एल वन, एक लाइन है एल वन जिसके ऊपर ए बी लाई करता है या जो ए बी से पास कर रही है। क्लियर? एल वन की क्वेश्चन 4x plus y equals to 16 कैसे कर सकता हूँ, कौन बताएगा? थोड़ी सी कॉमन सेंस, इसको नाम दीजिए ओ। नॉर्मल कर सकते हो, क्वेश्चन से कर सकते हो, जल्दी बोलो कैसे करूँ। सबसे पहले एक चीज, नो आइडिया, थोड़ा तो बोलो। बिल्कुल सही कहा भाई, ए बी इस पे लाइक करे तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यहाँ तक तो क्लियर है ये बात? बिल्कुल, पहला पॉइंट तो ठीक आ गया। सबसे पहला काम, जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे आए ना, हमेशा चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कॉनिक सेक्शन हो, चाहे आगे कोई भी चैप्टर आ जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले उसको पुट कर दो। आधा नंबर इस चीज का मिल जाएगा कई बार, बिकॉज ओ ए कॉमा बी लाइज ऑन एल वन, तो देयरफॉर वो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एल वन। बोलो यहां तक क्लियर? इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एल वन। यहां तक क्लियर? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। नाउ प्रोसीड करते आगे, पुट कर दो। तो एनी में एक्स की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दूंगा, ए, और वाई की जगह बी इज इक्वल्स टू 16। अब सेकंड पॉइंट सुन लो आगे के लिए, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना जो उनसे पसंद हो यहाँ से, क्योंकि उससे क्या होगा, सिंगल वेरिएबल इजी होता है या टू वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल जितने कम उतने आसान। किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक मिनट, पहले मैंने कहा यहाँ से वैल्यू निकाल लो ना, 16 माइनस 4a। अब मेरे को पता है ओ ए और ओ बी क्या, दोनों रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ इसको, लगा दो रेडियस का फॉर्मूला, या ओ ए और ओ बी डिस्टेंस फॉर्मूला आता, लगाना, लगाओ। एक मिनट, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू रूट में ओ बी 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी का, बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायरिंग, और मैं बी की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, बी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 16 माइनस 4 ए का होल स्क्वायर, क्लियर, 6 माइनस ब्रैकेट का 6 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 16 माइनस 4 ए का होल स्क्वायर, जरा ब्रैकेट ओपन कर दो,
हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इसको करो 1 माइनस 16 15 15 प्लस 4 ए, एक मिनट ना 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 1 माइनस 16 माइनस 15 और 4 ए, 4 ए माइनस 16 ही हो गया, 4 ए माइनस 15 का होल स्क्वायर, बोले यहाँ तक क्लियर। और ये क्या देगा 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12 ए, 5 माइनस 16 ये हो गया 4 ए माइनस 11 का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। 4a प्लस 15 कैसे हो जाएगा, माइनस बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही, अभी तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर अंदर 1 माइनस 16 माइनस 15 एक मिनट माइनस इसके आगे नहीं तो प्लस 4 ही नहीं हो जाएगा, क्लियर ओके। एक तो इस पर कट गया, तब तक अब जरा ओपन और करते, 16 माइनस 8 ए, 16 माइनस 8 ए इसको ओपन करो, 16 ए स्क्वायर प्लस 225, 16 ए स्क्वायर प्लस 225 फिर 4 इंटू 15 60, 16 इंटू 2 120 माइनस 120 ए फिर 36 माइनस 12 ए, 4 ए 16 ए स्क्वायर प्लस 121, 16 ए स्क्वायर प्लस 121 4 इंटू 11 44 और 88 माइनस 88 है, बोलो यहाँ तो क्लियर। कट करो, क्या कट रहा है 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर कट गया, ए वाले एक तरफ कर दो, कहाँ पे इसको वहाँ कर दूँ मैं सबको, और नंबर्स वहाँ कर दो, यानी देखो कैसे 16 प्लस 225 36 इधर माइनस 121 माइनस उधर कर दो क्या माइनस 12 है ऑलरेडी है, माइनस 88 है ऑलरेडी है, प्लस 8 है प्लस 120 है, कैलकुलेट करो आपको बताओ कितना बन रहा है ये, तो ये कितना बैठा आपका, ये हो गया 84 और यार है 28 है, ए कितना हुआ यानी 3, ए 3 आ गया, अब बी कितना हो जाएगा, बी 16 माइनस 4 है यानी कितना हो गया 12, यानी बी आ गया 4 राइट, क्या अभी आंसर आया बेटा ना, अब क्या चाहिए रेडियस, अभी रेडियस कहाँ है, कैसे निकालूं रेडियस, आर कैसे निकालूंगा, सेंटर है 3.4, रेडियस कितना है 4.1, डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लो पहले, ठीक है फिर इक्वेशन बनाएंगे हम, रेडियस कितना हो जाएगा रूट में 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर ये आपका आ गया 1, ठीक है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 रूट 10 ही तो हो रहा है, रूट 10 यहाँ तक क्लियर, ठीक है नाउ अब इक्वेशन बनानी, अब तो ईजी हो गया इक्वेशन, x माइनस ए, ए कितना आया था 3 प्लस y माइनस बी, बी कितना है 4 इक्वल्स टू r, r कितना है रूट 10 का होल स्क्वायर, ओपन कर दो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू 10, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 9 और 16 25 और इधर 10 तो मेरा हो गया 15, एक बार आंसर चेक करो क्या यही है पीछे,
प्लस 15 है, हाँ प्लस 15, थैंक यू, प्लस है, ये आंसर था बेटा। टफ लगा आज का कॉन्सेप्ट? नो, इजी था ना, होमवर्क ज्यादा नहीं देंगे बिल्कुल भी, बेफिक्र है ना, ठीक है, जो इसके ऊपर जितना कराया उसके ऊपर बेस देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर वैसे एक्सरसाइज पूरी आ जाएगी कायदे में, तो क्वेश्चन 12 तक, एग्जांपल 1 से 4 तक, बस इतना है, जितना कराया उसी के ऊपर बेस दिया, कोई फालतू नहीं दिया।